साथ सिखाने वाला हूं आपको मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो चलिए जान लीजिएगा। सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो एल्यूमिनियम है ये नेचर में कितने परसेंट पाया जाता है, यानी अर्थ क्रस्ट में ये कितना होता है। तो अर्थ क्रस्ट में ये थर्ड मोस्ट एवर्डेंट एलिमेंट है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद आता है, यानी तीसरे नंबर का अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो इसे आप लिख लीजिए थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट फ्लोराइड।
सोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6, एक क्रायोमेट है। थर्ड नेम आपको याद रखना है कोरंडम, कोरंडम। कोरंडम का एक और नाम है एनहाइड्रस एलुमिना, एनहाइड्रस एलुमिना भी बोलते हैं इसको। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है Al2O3 only। फोर्थ नाम आपको याद रखना है, वो है बेरिल, इसे इसी नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, आपको याद करना पड़ेगा 3BeOAl2O3.6SiO2, इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप मॉलिकुलर बेस में भी लिख सकते हैं, मॉलिकुलर बेस जैसे लिखा जा सकता है, वरना आप इसी तरीके से अगर याद करते हैं तो ज्यादा बेटर है, जल्दी याद होगा ये कंपोजिशन जो फॉर्म में है। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला आपको याद करना है माइका, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। इसका एक नाम और है मस्कोबाइट, इस नाम से भी जाना जाता है माइका। इंडिया में इसी फॉर्म में माइका के फॉर्म में पाया जाता है कौन, एल्यूमिनियम। तो इसको मस्कोबाइट भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है K2O3Al2O3.6SiO2.2H2O, ये इसका फॉर्मूला है K2O3Al2O3.6SiO2.2H2O। इसका नाम है 3BeOAl2O3.6SiO2। और उसके बाद इसे 5 नेम आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना पड़ेंगे आपको, आपको आना चाहिए ये सारे के सारे मिनरल्स एल्यूमिनियम के। कल वाले वीडियो में आपने बोरॉन के मिनरल्स पढ़े थे और अदर चीजें भी आपने पढ़ी थी, इनको तैयार करना है। इसके बाद एक चीज और इसमें याद रखिए जो सबसे इंपोर्टेंट है, ये कहां पाया जाता है, अकरेंस इसकी बता दूं आपको। अकरेंस में आपका ये है इंडिया में दो जगह सबसे ज्यादा है, एक तो कटनी में पाया जाता है, रीवा का पाया जाता है, ये दोनों ही एमपी में है, कटनी रीवा, यहाँ एक मिलेगा आपको, और एक एक कर्नाटक में भी पाया जाता है। कर्नाटक तो इंडिया में दो जगह होगा, एक तो मध्य प्रदेश में और दूसरा कर्नाटका में। कर्नाटका में कभी कभी अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछे तो उसे बोलते हैं बेलगांव। तो बेलगांव की जगह यहां पर पाया जाता है बेलगांव, बेलगांव, बेलगांव में ये पाया जाता है, कर्नाटका में ये जगह है, और ऐसे मध्य प्रदेश में कटनी और रीवा में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है ध्यान रखना है आपको, ये माइका के फॉर्म में पाया जाता है, एल्यूमिनियम के स्वरूप में रहेगा, माइका के फॉर्म में इंडिया में ही पाया जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, और तो वैसे बहुत सारी जानकारियां दे सकता हूं मैं आपको, लेकिन नहीं देना है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। तो एक तो आप अपने से याद रख लेंगे इसको, दूसरा कि 5 मिनरल्स हैं आपके जो आप देख रहे हैं और इनके फॉर्मूले हैं, कितना परसेंट अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, कई बार इसका छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको तैयार कर लेंगे। 8.3% बाय मास, उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट और सिलिकॉन कितना परसेंट, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। बस इतना आपको तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।